एंड फ्यूचर. सिंपल पास्ट टेंस, कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में होके माजी में चला जाए, तारीख का हिस्सा बन जाए, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस. अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट सिंपल टेंस को. हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस क्या है और किस तरह से पास्ट सिंपल टेंस को हम इंग्लिश ज़बान में इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले चंद चीजें जानना जरूरी है कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज क्या है. यूज शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट, माजी में किए गए शॉर्ट एक्शंस. लॉन्ग एक्शंस इन द पास्ट, माजी में किए गए तवील एक्शंस. अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, यानी माजी में की गई एक्शन की सीरीज, यानी दो तीन या चार एक्शंस. अब जहां तक शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट का ताल्लुक है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट 20 मिनट. आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया, शॉर्ट एक्शन है. नाश्ता करने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट. आई हैड ब्रेकफास्ट. लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट, माजी में एक तवील अरसा. आई लिव्ड इन लंडन फॉर 20 ईयर्स, मैं लंदन में 20 साल रहा. अब ये क्या है, लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट. इसी तरह अगर आप कहते हैं आई वर्कड इन कराची फॉर 5 ईयर्स, मैंने कराची में 5 साल काम किया, ये भी लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट होगा. उसके बाद है अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, यानी एक्शन की सीरीज मासी में. जैसा कि आप कहते हैं सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, आई रीच्ड होम, ओपन्ड द डोर एंड वेंट टू द किचन. अब जब आप ये कहेंगे आई रीच्ड होम, ओपन द डोर एंड एंटर्ड द किचन, इसमें 3 एक्शंस हैं. तो ये क्या है, सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट. आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास पास्ट टेंस में इस्तेमाल करने के लिए कौन सा वर्ब है. आपके सामने लिस्ट है वर्ब्स की. इरेगुलर वर्ब्स हैं ईट, एट, ईटन. याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस वो वाहिद टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. एट, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. सो फ्लू सेकेंड फॉर्म यूज होगी. सी, सॉ, सीन. सॉ सेकेंड फॉर्म यूज होगी. स्विम, स्वैम, स्वाम. स्वैम सेकेंड फॉर्म है, ये यूज होगी. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. I saw two colorful fish in the lake yesterday. मैंने कल झील में दो रंगीन मछलियां देखी. He entered a room, lit a cigarette and smiled at the guests. वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने सिगरेट जलाया और मेहमानों को देख के मुस्कुराया. ये क्या है, सीरीज ऑफ एक्शंस. Mary tried the soup, but it was too hot to eat. मैरी ने सूप ट्राई किया लेकिन ये खाने के लिए बहुत गर्म था. अब ये क्या है, शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट. आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 10 ईयर्स, मैं न्यूयॉर्क में 10 साल तक रहा. दिस इज लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट, इट मींस आई डोंट लिव देयर एनीमोर. दे सॉ अस प्लेइंग फुटबॉल, उन्होंने हमें फुटबॉल खेलते हुए देखा. अब मैं कहता हूं आई सॉ यू स्मोकिंग, मैंने आपको सिगरेट पीते हुए देखा. आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा. क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब डिड सेंटेंस के शुरू में आएगा. और एक बात याद रखिएगा, जब आप डिड यूज करेंगे तो उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क देयर, उसने वहां पर कितना अरसा काम किया. डिड द टेलीफोन रिंग, क्या टेलीफोन बजा. डिड यू सी दैट, क्या आपने ये देखा. Yesterday, the other day, just now, the day before yesterday, ये common expressions हैं जिनको हम कहते हैं time adverbials. ये time adverbials past simple tense के साथ use होंगे. मिसाल के तौर पे yesterday. Yesterday, I missed my breakfast. गुजरे हुए कल मैंने अपना नाश्ता मिस किया. The other day. देखिये बाज़ुकात ऐसा होता है, कोई ऐसा काम जो माजी में हुआ होता है आपको exact दिन याद नहीं होता कि वो काम किस दिन हुआ था. ये तो पता है कि चंद दिन पहले कुछ हुआ, लेकिन वो किस दिन हुआ, तो वहां पे आप the other day का वर्ड यूज करते हैं. The other day I went to the market. अगले दिन मैं मार्केट गया. ये पास अगले दिन से धोखा नहीं खाइएगा कि फ्यूचर की बात है. नहीं, ये बिल्कुल वाकईतन पास्ट की बात है. The other day I saw a lion in the circus. Just now, I received your mail just now. The day before yesterday, यानी वो परसों के लिए, गुजरे हुए के लिए. The day before yesterday, I went to the museum. In negative sentences,
We use subject and then we use auxiliary verb. That is did. अब did मैं आपको पहले बता चुका हूँ contraction section में and then we'll be using verb. He didn't learn any Italian when he was in Italy 2 years ago. जब 2 साल पहले वो इटली में था तो उसने बिल्कुल भी इटालियन लैंग्वेज नहीं सीखी. I wasn't at my grandma's when you came. जब आप आए तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर में नहीं था. स्पोकन प्रैक्टिस. इन तमाम सवालों का जवाब दीजिएगा और कोशिश करें आप जितनी इंग्लिश बोल सकते हैं बोलें. एक बात याद रखिएगा, लैंग्वेज हमेशा बोलने से आती है. गलत लैंग्वेज आज बोलेंगे तो कल आप दुरुस्त लैंग्वेज भी बोलेंगे. ये कभी मुमकिन नहीं है कि आप पहले दिन से ही दुरुस्त लैंग्वेज बोलना शुरू कर दें. व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? आपने कल क्या किया? अब बताएं, यस्टरडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई शावर्ड. आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. After that, I took my breakfast. Then I reached my college. अब ये सारे actions round the clock आप past indefinite tense में second form of the verb के साथ explain करेंगे. How did you spend your last Sunday or Friday? आपने अपना गुज़िश्ता जुमे का दिन या गुज़िश्ता इतवार का दिन कैसे गुजारा? अब आप बताएंगे, Oh, last Sunday I was very busy. I had to attend the wedding of my cousin. So I reached there on Saturday night. देखें ये क्या है? तमाम activities, हर काम. याद रखें, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे. लैंग्वेज में एक रूल है, मोर यू स्पीक मोर यू लर्न, लेस यू स्पीक लेस यू लर्न. तो कोशिश करें बहुत ज्यादा बोलने की. व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग लास्ट समर वेकेशन? पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में आपने क्या किया? शायद कोई टूर, आप कहीं मरी गए हो, नारायणगढ़ गए हो, उस टूर के बारे में एक्सप्लेन करें. हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे? आपने अपनी पिछली सालगिरह कैसे गुजारी? कहेंगे, आई सेलिब्रेटेड माई लास्ट बर्थडे विद माई फैमिली, आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे. अब ये क्या होगा? ये सारा पास्ट टेंस होगा. व्हाट डिड यू डू ऑन लास्ट ईद और क्रिसमस फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स? अदरवाइज आपने अपनी पिछली ईद पर क्या किया? अब वो ईद की एक्टिविटीज पूरे 3 दिन की, चांद रात से शुरू करें ईद का दिन और उसके बाद अगले दिन, और अब बताएं कि आपने क्या किया. डिस्क्राइब अ मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ. आपकी जिंदगी का यादगार वाक्य, किसी की शादी, कोई टूर कहीं जाना, उसको आप डिस्क्राइब करें. डिस्क्राइब अ मेमोरेबल ट्रिप टू एनी प्लेस. किसी जगह पे अगर आप गए हो, यादगार वाक्य, जी आपने, मैं एक दफा छांगा मांगा गया था, मैं एक दफा कलर को हार गया था. डिस्क्राइब दैट इन पास्ट टेंस. वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू छांगा मांगा विद माई फ्रेंड, इट वॉज माई फर्स्ट टूर एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड. अब वॉज फर्स्ट टूर, इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे. डिस्क्राइब अ वेडिंग यू अटेंडेड रिसेंटली. एक ऐसी शादी बयान करें जो आपने हाल ही में अटेंड की हो, और उस शादी के तमाम फंक्शंस, यानी आप उसे स्टार्ट करें मेहंदी से और उसके बाद बारात का दिन और फिर वलीमे का दिन, और वो तमाम एक्टिविटीज जिनको आपने देखा उसको डिस्क्राइब करें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में. डिस्क्राइब एनी ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस. कोई आपने सफर किया हो, ट्रेन से, बस से, जहाज से, उस ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस को आप डिस्क्राइब करें पास्ट टेंस में. व्हेन डिड यू गो फॉर शॉपिंग लास्ट टाइम एंड व्हाट डिड यू बाय? लास्ट टाइम आप शॉपिंग के लिए कहां गए, यानी कब गए, और आपने वहां से क्या खरीदा? बट कह सकते हैं, लास्ट टाइम आई वेंट फॉर शॉपिंग टू अ ब्यूटीफुल शॉपिंग मॉल एंड देयर आई बॉट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स बिकॉज देयर वॉज माई कजन्स वेडिंग एंड आई हैव टू बाय न्यू ड्रेसेस फॉर माई कजन्स वेडिंग. इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे. Past continuous tense is actually used when you want to talk about actions which were going on in the past. Wo actions jo ke maasi mein jari rahe the aur uske baad unko interrupt kar diya gaya past indefinite se. Agar main ye kehta hu, I was sleeping, main so raha tha. She was telling a lie, wo jhoot bol rahi thi. Was verb ke sath ing form lagayenge to wo aapka past continuous tense ban jayega. इसका यूज देखते हैं. एक्शंस इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, इंटरप्टेड एक्शंस इन प्रोग्रेस, इरिटेशन, टिमिड पोलाइट क्वेश्चंस एंड देयर आर सम मोर. आई वाज वंडरिंग इफ. अब आई वाज वंडरिंग इफ लगता तो है कि पास्ट है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट में यूज करते हैं. आई वाज वंडरिंग इफ, यानी मैं हैरान हो रहा था, या एक पोलाइट रिक्वेस्ट है. मिसाल के तौर पे, आई वाज थिंकिंग यू माइट, आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड कैरी.